फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, फाइव किंगडम्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाई आर एच बिटेकर इज नॉट बेस्ट ऑन, यानी कि क्वेश्चन फर्स्ट जो पूछा है, जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था आर एच बिटेकर ने 1969 में दिया था, वो किस पर बेस्ट नहीं है। ऑप्शन ए है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ऑप्शन बी यहाँ पर है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑप्शन सी है मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है कॉम्प्लिसिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो आर एच बिटेकर ने जो अपना फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था वो बेस्ड द मेनली सेल स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लिसिटी, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन तीनों पर बेस्ड था, ए सी और डी पर। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इस पर बेस्ड नहीं था, ये था रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पर था। तो बी इसका राइट आंसर होगा, जो आर एच बिटेकर का जो क्लासिफिकेशन था इस पर बेस्ड नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन।